Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about CSS and it's our fifth lecture of the series. So last lecture mein humne apna HTML complete kar liya tha jisme humne HTML ke basic tags uske ilawa tables, lists, images, audio, video, forms wagaira discuss kar liye the. Aaj se hum CSS start karne ja rahe hain. And आई होप सो यू गाइज रिमेंबर दैट कि हमने फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि सी एस एस क्या है और सी एस एस हमारे पास क्यों यूज़ होती है. सो मैं रिवाइज कर देता हूँ. हमने अपना एक वेब पेज बना लिया, जितने कोड हमने ये लिखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने लेट्स से लेक्चर वन के अंदर हेडिंग वगैरह दी थी, पैराग्राफ बनाए थे और स्पैन दिया था, लिस्ट बनाई थी, टेबल्स बनाए थे. अब हमने सिंपली इनको कोड किया था. अब इनकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है और हमने इनको स्टाइल करना है, पर्सनलाइज करना है, इसके लेआउट्स बनाने हैं, एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करना है. अब वो हमारे पास किसके थ्रू होगा? इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ CSS. CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट विंडोज. कैस्केडिंग स्टाइल शीट विंडोज. ओके, अब हम सबसे पहले जो है ना, हमने जो प्रीवियसली काम किया, जितने भी हमने किए हैं प्रोजेक्ट्स, इनको हम उठा के एक न्यू फोल्डर बनाते हैं अपने इसी फोल्डर में और उसे मैं रख लेता हूँ उसका नाम HTML, क्योंकि प्रीवियस कोड हमारे जितने भी थे वो रिलेटेड टू HTML थे. अब जितना भी ये हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं इन सबको उठा के मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? इन द HTML फोल्डर. अब मैं यहाँ एक और फोल्डर बना रहा हूँ CSS. इसके अंदर हम अपना काम कर लेंगे CSS वाला. CSS की डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे, उस पर हम CSS इम्प्लीमेंट करेंगे. तो मैं सबसे पहले फोल्डर बना रहा हूँ, इसमें lecture5.html HTML टैग लगाया, मैंने कहा वेलकम टू CSS. ओके जी, सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या. आज के लेक्चर में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे. नंबर वन, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ CSS. नंबर टू, CSS selectors. नंबर थ्री, हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में प्रायोरिटीज ऑफ CSS. ओके जी, सबसे पहले हमने पढ़ा CSS stands for cascading style sheet windows. ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं. आप सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है कि व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS. नंबर वन हमारे पास है इनलाइन CSS. नंबर टू इंटरनल CSS एंड नंबर थ्री वी हैव एक्सटर्नल CSS. सबसे पहले हम इन तीन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके भी डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस करना है सिंटैक्स ऑफ CSS. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स किसको कहते हैं? किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको हम सिंटैक्स कहते हैं. ग्रामेटिकल रूल्स, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं उसके हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एटसेट्रा एटसेट्रा, और जितने भी हमने टेंसेस वगैरह सब पढ़े वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं कि हमने इंग्लिश को बोलना कैसे है, लिखना कैसे है वगैरह वगैरह. सेम अब हमने HTML पढ़ी है, इसको हमने कैसे लिखा है, हमने जब गलत कोडिंग की है, रॉन्ग टैग्स लिखे हैं हमारे पास, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स आ रहे थे. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने CSS को कैसे लिखना है. तो CSS का सिंटैक्स ये है, सिलेक्टर, आगे कर्लिंग ब्रैकेट्स होंगी, उसके बाद प्रॉपर्टी, कॉलन, एट्रीब्यूट. ये चीज थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगी क्या चीज है ये हमारे पास. हमने यहाँ लिखा है CSS selectors, उसके बाद सिलेक्टर हमारे पास क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा. उस सिलेक्टर पे हमने जोन जोन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, लेट्स से हमने कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, फॉन्ट साइज लगाना है, फॉन्ट फैमिली लगानी है, उसके अराउंड स्पेसिंग कितनी हो लेफ्ट राइट से, उसको पेज के लेफ्ट साइड पे शो करवाना है, राइट साइड पे शो करवाना है, इस तरह ढेर सारी और प्रॉपर्टीज हैं जो हम लगाएंगे इसके अंदर. प्रॉपर्टी यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं, वैल्यू आएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी और आगे सेमी कॉलन होगा. इसी तरह सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ
वैल्यूज आगे आ रही होंगी। ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगी हर चीज जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इस लेक्चर का सिंटैक्स है, वापिस आते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सी एस एस। मैंने यहाँ लगाया एक पैराग्राफ, इसमें लिख दिया मैंने लोरम इप्सम। ओके जी, एक और लगाया और मैंने एक और लगाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया स्टाइल इज इक्वल टू आगे डबल कोर्स आए हमारे पास, और मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड इज इक्वल टू येलो, बैकग्राउंड कॉलन येलो। ये हमारे पास अब प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कॉलन, आगे उसकी क्या है हमारे पास वैल्यू है। तो इस फाइल को ओपन करते हैं हम और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। ओके आपने देखा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड इसका हो गया है येलो। सो अब मैं कहता हूं कि मेरे पास कलर क्या हो जाए, पिंक हो जाए जी। मैं कहता हूं मेरे पास का कलर पिंक हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल। ये जो हमने स्टाइल इज इक्वल टू आगे हमने उसके सीएसएस लिखी है थोड़ी सी विद इन द टैग एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टैग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस हमें क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग इज इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करनी है, हम HTML5 टैग लगाएंगे स्टाइल का, कहीं भी, यहाँ भी लगा सकते हैं आप इसको, आप हेड में भी लगा सकते हैं, बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं, विद इन पेज एनीवेयर, जहां आप इम्प्लाय करना चाहें। तो हम यहाँ पे स्टाइल मीडिया इक्वल टू स्क्रीन ना भी लगाएं तो कोई जरूरी नहीं है, एक प्रोफेशनल लुक के लिए हम स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल यहाँ हमने लिख दिया इसको, और अब इसमें हम अपने टैग्स लगाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले हमें पहले अब अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए व्हाट आर सीएसएस सिलेक्टर्स, देन हम वापस आएंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स पे। सो हम यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो इसका सेंटेक्स आ गया हमारे पास, और इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। अब सबसे पहले समझना जरूरी है व्हाट आर द सिलेक्टर्स और व्हाट इज सिलेक्टर। सिलेक्टर किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास कोई चीज सिलेक्ट करे। लेट्स से हम एग्जांपल कहते हैं आपका एक स्पोर्ट्स टीम है और आपने आपको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ सिलेक्टर और समथिंग एल्स की आपने टीम बनानी है, ये 50% है और आपने इसमें से 11% जो है क्रिकेट टीम बनाने के लिए सिलेक्ट करने हैं, वो सिलेक्टर जो है उन 11 को सिलेक्ट करेगा। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास सिलेक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास इन द सिनेरियो ऑफ HTML CSS हमारे पास सिलेक्टर क्या है, हमारे पास ये पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने एक टैग लगा दिया ए टैग, लेट्स से google.com, मैंने कहा ओपन गूगल। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास गूगल ओपन हो जाए इस क्लिक पे, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ए टैग को मैंने सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली मैंने CSS अप्लाई करना है तो मैंने किसी एलिमेंट सेलेक्ट करना है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तब ही मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकता हूँ। सो हमारे पास थ्री टाइप्स होती है, नंबर वन डायरेक्टली अप्लाई CSS ऑन एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं P टैग लिखूंगा और मेरे पास जो है ना वो ऑटोमेटिकली CSS अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड टाइप के आने से पहले हम वापस आते हैं स्टाइल में और इसको अप्लाई करके देखते हैं किस तरह यूज होना है। मैंने कहा P आगे ब्रैकेट्स और मैंने कह दिया बैकग्राउंड आप कर दो ब्लैक। ओके जी, इन दो का ब्लैक हो गया बैकग्राउंड कलर, और मैंने कहा कलर आप वाइट कर दो वाइट। नाउ क्वेश्चन राइज इज दैट कि हमारे पास ये दो पैराग्राफ्स जो है इनका बैकग्राउंड ब्लैक हुआ है और इनका हमारे पास बैकग्राउंड येलो है, ऐसा क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको थर्ड स्टेप पे प्रायोरिटीज पे आके दूंगा, पहले हम सिलेक्टर्स और टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, सो वापस आते हैं हम डायरेक्टली अप्लाई एलिमेंट्स CSS ऑन ऑल एलिमेंट्स। सेकंड थिंग हमारे पास है क्लास सिलेक्टर, हमने क्लास बनानी है उससे करना, और थर्ड थिंग हमारे पास ID सिलेक्टर है। ओके जी, डिफाइन करते हैं हम क्लास, डिफाइन क्लास यूजिंग, मैं कह रहा हूँ डॉट के साथ, डबल कोर्स में इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियर हो सके कि भाई ये डॉट हमारे पास स्पेसिफिकली है, एंड सेम हमारे पास डिफाइन ID यूजिंग हैश करते हैं इसको। हम यहाँ पे ना तीन पैराग्राफ्स और बना लेते हैं या दो और बना लेते हैं,
अभी आप देख रहे हो सबका बैकग्राउंड ब्लैक है, और अब मैं यहाँ पे आऊंगा, एक मैं बनाऊंगा क्लास, मैंने कहा डॉट माई पैराग्राफ, और यहाँ मैंने एक आईडी बनाई PAR हैश के साथ। इस तरह क्लास बनाएंगे और इस तरह पैराग्राफ बनाएंगे। मैंने कहा बैकग्राउंड कर दो आप ब्लू, कलर कर दो आप येलो, सेम मैं यहाँ कहता हूँ बैकग्राउंड कर दो आप ऑरेंज, और कलर कर दो आप ब्लैक। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, मैंने कहा क्लास इक्वल टू माई पैराग्राफ, और आईडी लगानी है तो आप लिखोगे आईडी इक्वल टू माई PAR हमने बनाई है। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया और इसका ब्लू हो गया, बिकॉज ये हमारे पास पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्लास माई पैराग्राफ, एंड आईडी से हमारे पास PAR आईडी से हमने इस CSS को अप्लाई किया इस पैराग्राफ पे। और जो पी टैग आ रहा है हमारे पास, उसने क्या किया है, जितने भी हमारे पास पैराग्राफ टैग्स आ रहे हैं जनरलाइज्ड ओपन पड़े हैं जिसको हमने डायरेक्टली कॉल किया है, वो इसके थ्रू हमारे पास सेलेक्ट हो गए। सो आई होप सो, सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स क्लियर हो गई होंगी। रिवाइज करते हैं, हमारे पास तीन टाइप्स हैं सेलेक्टर्स की, पैराग्राफ टैग हमारे पास HTML एलिमेंट्स के ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं CSS, उसके बाद आप यूजिंग सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर हम कर सकते हैं, और आईडी सेलेक्टर के थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वापस आते हैं हम अपनी टाइप्स ऑफ CSS पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। सो इंटरनल को भी देख लिया हमने, ये हमारे पास इंटरनल CSS है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल CSS कहाँ से आएगी। एक्सटर्नल CSS के लिए हम CSS की एक अलहदा फाइल बनाएंगे, स्टाइल शीट बनाएंगे, इसमें कंप्लीट CSS लिखेंगे हम, उसमें हमें स्टाइल का टैग लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम उस फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और जिस जिस फाइल में भी वो CSS फाइल इंक्लूडेड होगी, हमारे पास उस फाइल के अंदर आपके एलिमेंट्स पे CSS अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आते हैं, मैं लिख रहा हूँ स्टाइल डॉट CSS, एक फाइल मैंने बनाई स्टाइल डॉट CSS, मेरे पास पूरी फाइल आ गई। मैंने कहा बॉडी टैग पे लगाओ आप CSS, और बैकग्राउंड दो आप इसको ग्रे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करूंगा। लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिंक टैग यूज होता है, उसमें हमारे पास href यूज होता है, और लिंक हमारे पास क्या होगा, फाइल का नेम स्टाइल डॉट css, और आपने डिफाइन करना है rel। rel का मतलब है इट्स रिलेटेड टू, किस चीज के रिलेटेड है, यहाँ ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अल्टरनेट, ऑथर, सर्च, साइड बार, स्टाइल शीट, टैग, आइकन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ rel इक्वल टू स्टाइल शीट, जिससे पता लग रहा है स्टाइल शीट है। अच्छा जी, अब आप देख रहे हो इसका बैकग्राउंड ग्रे हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे क्या पता चला हमें कि CSS फाइल हमने एक्सटर्नल किस तरह कनेक्ट करनी है। सो ये हमारे पास एक्सटर्नल CSS है, जो हम एक सेपरेट फाइल में जाके ऐड करते हैं। ओके, दैट्स गुड, लेट्स कंटिन्यू अहीट। अच्छा जी, अब मेरे पास एक्सटर्नल में आया, मैंने यहाँ पे आके बनाई ई पैराग्राफ, मैंने एक क्लास बना दी, मैंने कहा बैकग्राउंड कर दो आप पर्पल, और कलर आप कर दो वाइट। यहाँ आया मैं, और आके मैंने कर दिया बैकग्राउंड क्लास इक्वल टू ई पैराग्राफ। ये देखिए जी, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड हो गया पर्पल। पैराग्राफ यहाँ पे एक ओपन पड़ा हुआ है, एक और कॉपी करते हैं। हमें एक्सटर्नल CSS का पता लग गया, हमें इंटरनल का पता लग गया, इनलाइन का पता लग गया, मतलब तीनों टाइप्स हमें पता चल गई CSS की, एंड सेंटेक्स का भी पता चल गया CSS के हमने कैसे लिखना है। फिर हमने सीख लिया कि टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स क्या हैं, ये भी हमें पता लग गया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटीज ऑफ CSS। सो इस पे हमने देखना है कि हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेलेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कि भाई कौन सा सेलेक्टर, कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज ज़्यादा हमारे पास। आज के लेक्चर में हम CSS की प्रॉपर्टीज तक करेंगे, नेक्स्ट कुछ लेक्चर में हम कुछ CSS की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, वैल्यूज पढ़ेंगे, किस तरह हमने कौन सी चीज़ क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर वो कंटिन्यू करेंगे, और एट द एंड हम CSS का एक कंप्लीट टेम्पलेट बनाएंगे प्रोफेशनल, जिससे आपकी लर्निंग होगी हाउ टू डिवेलप अ कंप्लीट फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट, कि पूरा डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसके बाद आप एक फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाने के काबिल हो जाएंगे। सो वापस आते हैं हम, हमारा आइडिया हो गया कि किस तरह हमारे पास ये सप्लाई हो रहा है। मैंने यहाँ लिखा पैराग्राफ, बैकग्राउंड आप इसका कर दो ग्रीन। ओके जी,
पैराग्राफ है लेकिन मैंने ग्रीन भी लगाया है, ये हो क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन तो पैदा होता है, क्या वजह हो सकती है? हमने इंटरनल सीएसएस में भी पैराग्राफ लगाया हुआ है, इसको कमेंट करते हैं। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट सीएसएस कमेंट्स। सीएसएस में कमेंट हमने कैसे करना है? बैक स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक बैक स्लैश, ये सीएसएस कमेंट है। अच्छा जी, हमने इस कोड को कमेंट किया है पैराग्राफ वाले को जो इंटरनल में पड़ा हुआ है, तो हमारे पास क्या हुआ है, सारे पैराग्राफ्स जो उनसे ओपन पड़े हुए थे वो ग्रीन हो गए। इससे हमें समझ क्या आई? इससे हमें समझ ये आई कि हमारे पास इंटरनल सीएसएस की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सीएसएस। एंड मैंने कहा था हमारे पास ये पैराग्राफ सारे ब्लैक हो गए थे और इसका कलर ये हो गया, ये वाला कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ये जो प्रायोरिटी है ये सबसे ज्यादा है इसकी जो इनलाइन लिखा हुआ है हमने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टर्स एंड सीएसएस। सो हमारे पास इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ग्रेटर देन है इंटरनल सीएसएस से, एंड इंटरनल सीएसएस ही ग्रेटर है एक्सटर्नल सीएसएस। हमें आइडिया हुआ कि इनलाइन की सबसे ज्यादा है, इंटरनल की उससे कम है और एक्सटर्नल की सबसे कम है, तो डेफिनेटली इनलाइन सीएसएस की ग्रेटर है एक्सटर्नल सीएसएस से भी। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ जो कोड लिखा हुआ उसकी वैल्यू इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, जो पैराग्राफ मैंने यहाँ दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए और सब पे यही सीएस सप्लाई हो, मैं यहाँ क्या लिखूंगा आगे? निगेशन साइन इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास आप देख सकते हो कि सब के सब पैराग्राफ जो हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या हो गया है? ग्रीन हो गया है। मैं कहता हूँ कलर आप कर दो भाई येलो, सबका कलर येलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास इसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है, हमने इसके साथ इंपॉर्टेंट नहीं लगाया। जब मैंने इसको इंपॉर्टेंट किया है तो हमारे पास सबके सब का क्या हो गया है? कलर येलो हो गया। इससे हमें पता चला कि हमारे पास जब यूज ऑफ इंपॉर्टेंट करेंगे हम, तो हमारे पास जो भी ज्यादा है एलिमेंट अप्लाई हुआ वो इंटरनल और इनलाइन हो, एक्सटर्नल की भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये आप क्या कर रहे हो, मैं इंटरनल सी एस एस हूँ, मेरी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, इंटरनल सी एस एस क्या है? उसने कहा तुमने इंपॉर्टेंट लगाया, तुम क्या समझते हो तुम जीत गया हो मुझसे? मैं यहाँ आया, मैंने इस पैराग्राफ को कर दिया इंपॉर्टेंट, इसको मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया और इसको भी क्या कर दिया? इंपॉर्टेंट कर दिया। अब इंटरनल सी एस एस की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई है, एक्सटर्नल फिर हार गया। जब हमने इंपॉर्टेंट लगाया तो यहाँ पे लगे इंपॉर्टेंट की वैल्यू फिर कम हो जाएगी अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट का यूज किया हमने। सर इनलाइन कहता है यार सब जीतते जा रहे हैं, अब मैं तो भाई पीछे रह गया हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसने कहा कि मैं बताता हूँ आपको, इसने भी इंपॉर्टेंट लगा लिया साथ। इंटरनल कहता है भाई बाय जो मर्जी करो, मैं यहाँ पे किंग हूँ, मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सो हमें पता क्या चला कि विद यूज ऑफ इंपॉर्टेंट सेम यही सिनेरियो है, अगर हम इंपॉर्टेंट लगाते हैं तो तीनों पे इंपॉर्टेंट लगा होगा तो फिर हमारे पास इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है? और अगर हमारे पास एक्सटर्नल पे लग गया है, एक्सटर्नल सीएसएस पे इंपॉर्टेंट है, तो वो ग्रेटर होगा बोथ इंटरनल एंड इनलाइन सीएसएस से अगर उनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? और अगर आपके पास इंटरनल पे लगा है इंपॉर्टेंट तो वो ग्रेटर होगा एक्सटर्नल सीएसएस इंपॉर्टेंट से, एंड इंपॉर्टेंट इनलाइन सीएसएस सिंपल से उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर इनलाइन सीएसएस ने भी लगा लिया है हमारे पास इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट होगा, तो हमारे पास इंटरनल सीएसएस इंपॉर्टेंट और एक्सटर्नल सीएसएस इंपॉर्टेंट से भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आई होप सो आज का लेक्चर क्लियर होगा आपको, कोई क्यूरी नहीं होगी। प्रैक्टिकली हमने इंपॉर्टेंट को चेक करके देखा है,
अगर कोई चीज आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को आपने दोबारा वॉच करना है, इस पोर्शन को, यूज ऑफ इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आप 2 से 3 बार इस पोर्शन को दोबारा देखेंगे तो होप सो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। सो अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं mujahid@softilio.com, और आप फेसबुक पेज पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक है facebook.com/mujahidfaroofficial, और मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हर वीडियो में डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट करके फर्दर मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।